चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड ऑफ गिवन द 7 कैश प्राइज टू द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर टोटल सम कितना दिया 700, तो मैं इसको एस एन अभी सपोज कर लेता हूँ, ये कितना आपका 700 है। इसको आप कितनी कैश प्राइज दे रहे हैं, वो लोग 7 कैश प्राइज है। 7 का मतलब यानी एन की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 है। इफ द ईच प्राइज लेस देन 20 इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, अगर हर एक प्राइज का जो प्राइज है वो 20 क्या लेस देन होती है, जैसे अगर पहली 200 है, पहली अगर 200 है तो उससे 180 हो जाएगी, 160, कुछ इस तरीके से सीरीज बननी है, ऐसा ये लोगों ने कहा हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा है हमसे, इन्होंने कहा है कि भैया कि अगर वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हमें सभी प्राइजेस का वैल्यू बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि चलो जो आपका जो डी की वैल्यू है ना, क्योंकि बोली दिया कि बी से प्रीसीडिंग है तो डी की वैल्यू 20 हो गई, तो हमारे पास क्या किसकी वैल्यू नहीं है अभी हाल फिलहाल में, हमारे पास ए का वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास ए का वैल्यू होगा तो हम क्या करेंगे, ए हम जो सीरीज बना लेंगे, ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और ए प्लस 5D और ए प्लस 6D। अब आप जानते हैं कि हमारा AP होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये फर्स्ट प्राइज़ ये रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्राइज़ फर्स्ट प्राइज़ होता है, क्योंकि उन्होंने प्रीसीडिंग बोला है, तो सीरीज थोड़ी उल्टी चलेगी। चलो हम पहले SN से फॉर्मूला निकाल लेते हैं। SN का फॉर्मूला होता है वही आपका NY2 2A + N-1D। तो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी 7 है, तो S7 की वैल्यू चूँकि मेरे को ऑलरेडी गिवन ही है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू ही रख देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज करके यहाँ पे सीधा वैल्यू रखना चाहूँगा, यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी 700 है, और इसकी वैल्यू कितनी 7/2, और ये 2 ए की वैल्यू तो पता ही नहीं आपको, और ये हो जाएगा आपका 7-1, और डी की वैल्यू कितनी है 20। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 से कैंसिल कर सकता हूँ इसको, 7 × 7 0 का 0, चूँकि ये इस तरह पाएगा तो मैं डायरेक्ट ही लिख दिया ना, क्योंकि इस तरह पाता इस तरह पा के डिवाइड में होगा बाद वो ही, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/2 बचेगा, ये 2a, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये प्लस 6×20 बचेगा, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 1/2। मैं इसको एक स्टेप नहीं खाता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2a प्लस ये 6×2 = 20, तो ये 120 हो जाएगा। ये अब 2 है, ये अपॉन में चला जाएगा इनके, तो ये हो जाएगा 100 = ये a प्लस 60 बचेगा, ठीक है। अब जो कि मुझे a का वैल्यू चाहिए तो मैं यहीं बता देता हूँ आपको, तो ये 60 उस तरफ जाएगा, तो 100 - 60 = क्या बचेगा a, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40, ठीक है ना। अब मुझे बताना 7 क्रैश पाई, तो सबसे पहला होगा a प्लस 60 है ना, तो a प्लस 60 मतलब a की वैल्यू कितनी 40 + 6×20, तो कितना हो जाएगा 40 + 120, यानी कि कितना हो जाएगा ये 160, ठीक है ना। पहला प्राइस कितना 160 है, तो इससे जो लास्ट वाला इसके इसके बाद वाला 20 कम होगा, मतलब 140, फिर 120, फिर 100, फिर आपका 80 और फिर आपका 60। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक आपको हो जाएगा 47। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 7 प्राइस, इनका सम आप निकालेंगे तो टोटल 700 ही होगा, ठीक है।